Yeah, good evening everyone. Today we are doing videography on Bayes' theorem, which is a part of probability class 12th mathematics. To start with, first of all, I would like to tell you the formula of this Bayes' theorem. Event to वैसे ही है बेटा, A, B, E1 कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है? Main एक formula है Bayes' theorem का, जो आप अपनी NCERT में देख भी सकते हैं. Page number क्या है ये? 550 पर. बेस थ्योरम ये कहती है कि अगर E1, E2 अप टू EN ये N नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, तो जो किसी भी सैंपल स्पेस कैपिटल S से बिलोंग करते हैं और E1, E2 अप टू EN जो है वो पेयर वाइज डिसजॉइंट है, सच दैट इन सबका यूनियन जो है वो टोटल सैंपल स्पेस के बराबर होगा. ऐसा हमने वेन डायग्राम में भी किया, अगर आपको ध्यान हो तो. ठीक है, पेयर वाइज का मतलब जो E1 और E2 के पेयर होंगे वो डिसजॉइंट होंगे, रिलेटेड नहीं होंगे. ठीक है ना, आप है ना, बस इस फोकस पहले तो फॉर्मूले पे फोकस करो. ठीक है ना, क्योंकि मेन जैसे अभी तक आप करते आए हैं P ऑफ A बाय B कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में करते आए हैं, एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी और बी ऑलरेडी अकर हो चुका है. ठीक है ना, आपको कंडीशनल से डिफरेंशिएट करते हुए इसके क्वेश्चन को क्रैक करना है. तो फॉर्मूला मैं एक बार बता रहा हूं अनन्या, पी ऑफ ई आई बाय ए, और ई आई है तो आई कुछ भी हो सकता है, 1, 2, 3 अप टू एनी नेचुरल नंबर. इसका फॉर्मूला होता है पी ऑफ ई आई इंटू पी ऑफ ए ओवर ई आई होल डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ पी ऑफ ई आई इंटू पी ऑफ ए बाय ई आई. मुझे पता अभी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा है, कोई नहीं, जे ले लो उसे. ठीक है, डिनोमिनेटर वैसे भी सेम रहेगा. ठीक है, अभी आप सीख जाओगे ये चीज. ठीक है, मैं एक क्वेश्चन से आपको डायरेक्टली कराऊंगा. ठीक है ना, ये सब आपको पता ही है क्या है. ठीक है, थ्योरी में मेरा तो ये मानना है कि एक ही फॉर्मूला है बच्चे, वो फॉर्मूला बस तुम्हें अकॉर्डिंगली गेस करते हुए लगाना है. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 मैं चाहूंगा आप रीड कर लें, 13.3 का. An urn contains 5 green and 5 black balls. A ball is drawn at random. Its color is noted and is returned to the urn. Moreover, 2 additional balls of the color are drawn and are put in the urn and then a ball is drawn at random. What is the probability that the second ball is red? मैं आपको डायग्राम बना के समझाता हूँ. ये वाला जो क्वेश्चन है इन्होंने बेस थ्योरम से नहीं किया है रिपीट. ठीक है, ये ध्यान रखना. तो बच्चे एक्सरसाइज है ये 13.3. एक्सरसाइज है ये 13.3 याद रखना, और क्वेश्चन नंबर 1 और जो भी क्वेश्चन में लिखा है ना, मैं आपको मैथमेटिकल लैंग्वेज में यहां पर लिखता हूं. कोई भी अर्न है, कोई थैला है, उसके अंदर 5 तो रेड है, तो ऐसे एक थैला बना लो. प्रोबेबिलिटी में बैग या अर्न ऐसे बनाते हैं. 5 इसके अंदर रेड बॉल्स हैं और 5 ही क्या है, ब्लैक बॉल्स हैं. ठीक है, अब इसमें से हम कोई भी एक बॉल रेंडमली निकाल रहे हैं और उसका कलर हम नोट कर रहे हैं और उसके बाद वापस उसे थैले में डाल रहे हैं. ठीक है ना, और अब 2 एडिशनल बॉल हमने थैले में और डाल दी हैं, राइट. चलो वो सब तो बाद में आएगा, पहले मैंने ये देखा केस नंबर 1 में कि अर्न के अंदर 5 रेड हैं और 5 ब्लैक बॉल्स हैं. तो आप मुझे ये बताओ टोटल बॉल्स कितनी है इसके अंदर, 10 है, 5 + 5 = 10, वेरी राइट. ठीक है, अब इवन मैं एक इवेंट मान रहा हूं कि सबसे पहले मैंने रेड बॉल निकाल लिया. ठीक है, फर्स्ट बॉल, फर्स्ट जो ड्रॉ था ना वो एक रेड बॉल है, ये ध्यान रखना. ठीक है, इसे मैंने E1 माना और ऐसे ही E2 मैंने माना. फर्स्ट जो ड्रॉ है वो ब्लैक बॉल मेरे हाथ में आ रही है, इस चीज को मैंने E2 माना. और पता है ये सारे जो बेस थ्योरम के क्वेश्चन है ना, इसमें याद रखना E1 और E2 जो दोनों होंगे इवेंट, वो हमेशा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी होंगे और एग्जॉस्टिव भी होंगे, राइट. म्यूचुअली एक्सक्लूसिव आपको पता ही है, हाँ, उनका इंटरसेक्शन फाइ होता है, राइट. तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे और एग्जॉस्टिव भी होंगे, ये ध्यान रखना. ठीक है, ये बस फॉर्मेलिटी के लिए आप लिख लेना, ओके. अच्छा, अब मुझे बताओ कि प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी E1 की, मतलब पहली बॉल जो आपके हाथ में रेड बॉल आई है पहले केस से, उसकी प्रोबेबिलिटी 5/10, वेरी राइट. लोएस्ट टर्म में रिड्यूस करो, 1/2,
ऐसे ही P of E2, दूसरी बॉल मैंने निकाली, मेरे हाथ में ब्लैक बॉल आई है, इसकी प्रोबेबिलिटी सेम 5/10 यानी कि 1/2 होगी। ठीक है, ये मैं पार्टीशन कर रहा हूँ, राइट। अब ये थैला मुझे एक और भी बनाना पड़ेगा। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन, ठीक है। अब इसके बाद ये कह रहा है कि जो फर्स्ट ड्रॉ था, अब इसने है ना दो बॉल और डाल दी थी, समझ रहे हो, पर इसने कलर नहीं बताया था। मैं रीड करता हूं आपके लिए और आपको क्वेश्चन भी दिखाता हूं साथ साथ। अब ये कह रहा था क्वेश्चन के अंदर कि मोर ओवर टू एडिशनल बॉल्स ऑफ द कलर ड्रॉन आर पुट इन द ऑन। अब मुझे कलर नहीं पता ना कि रेड मेरे हाथ में आई है, ब्लैक आई है, फिर उसके बाद एक बॉल रेंडमली हमने थैले से निकाली है। तो इस बार है ना मुझे ऐसे लग रहा है, देखो अगर मान लो पहले थी 5 रेड और 5 ब्लैक, मान लो अगर रेड निकाल लिए तो कितनी हो जाएंगी, तो 7 रेड हो जाएंगी सेकंड वाले केस में, कि अगर रेड निकाल लिया तो। ये तो फर्स्ट था, मतलब नॉर्मल था, ठीक है ना, पर इसके बाद देखो 7 रेड हो जाएंगी और 5 ब्लैक रहेंगी। पर ऐसा भी हो सकता है, ये कौन सी ड्रॉ की थी, रेड के केस में है, और ऐसे ही अगर मान लो ब्लैक निकाली हुई फर्स्ट वाले केस में ही, नॉर्मल केस में, तो इसका केस ऐसे बन सकता है ब्लैक होगी तो यहाँ पर 5 फिर रेड होंगी, क्योंकि 2 और ब्लैक बॉल उसने ऐड की है, मेरा कहने का मतलब है 7 ब्लैक हो गई। तो इन दोनों के केस में ना आप इसकी प्रोबेबिलिटी बता दो, राइट। जैसे इस केस में एक बार मैं फिर से बताता हूं, व्हेन द फर्स्ट ड्रॉ गिव्स अ रेड बॉल, तो फिर एडिशनल हमने रेड बॉल डाली थी, राइट, ये मैंने कर लिया था, फर्स्ट ड्रॉ ये था। तो इस केस में मेरे पास 7 जो है अब रेड है और 5 जो है वो ब्लैक है, तो टोटल बॉल्स कितनी है सेकंड वाले केस में, 12, तो टोटल आउटकम भी 12 हो गया, राइट। तो अगर फर्स्ट ड्रॉ ब्लैक बॉल देता है तो फिर अलग चीज है, तो फिर यू नो 5 रेड है और 7 है, टोटल उस केस में भी 12 है। तो ए मैं यहां पर कोई इवेंट मान रहा हूं कि सेकंड जो मेरा ड्रॉ है, फर्स्ट ड्रॉ तो हो गया था, सेकंड ड्रॉ गिव्स अ रेड बॉल, इस चीज को मान रहा हूं, इस चीज को मैं मान रहा हूं, तो इस चीज की रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, पी ऑफ ए हो जाएगी, राइट। तो बताओ सेकंड ड्रॉ में रेड आने की कितनी हो जाएगी, 7/12 हो जाएगी, क्या कहते हो, ठीक है। और ऐसे ही लेकिन अब उन्होंने क्वेश्चन में क्या बोला है, हाँ, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड बॉल ड्रॉ, ये बोला है, तभी ब्लैक आगे निकालने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है ना। उसने बोला है कि सेकंड बॉल जो आपके हाथ में आएगी ना वो क्या होगी, वो रेड होगी, ठीक है ना। तो इस चीज की रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी पी ऑफ ए अभी मैं मान रहा हूं, इतना ध्यान रखना, अभी इसे 7/A मत लिखना, क्योंकि इसके बड़े सारे केसेस हो सकते हैं। केसेस क्या हो सकते हैं, मैं लिख के भी बता रहा हूं, मैं नेक्स्ट पेज पे लिख दूं थोड़ा साफ हो जाएगा, राइट। P of A में नेक्स्ट पेज पे लिख रहा हूं क्या होगा, P of A हमारा हो सकता है, ये P of A लिखा है मैंने वही सेम, ठीक है, यही हमें निकालना है क्वेश्चन के अंदर, राइट। ये हो सकता है कि प्रोबेबिलिटी दैट द फर्स्ट बॉल इज रेड, पहली बॉल जो मैंने निकाली थी वो रेड थी, और जो सेकंड बॉल मेरे हाथ में आई थी, एंड द सेकंड बॉल आफ्टर 2 रेड आर एडेड इन द ऑन इज आल्सो रेड, क्योंकि उसने रेड की ही बोली, अगर आपने क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा, ब्लैक की नहीं बोली प्लस। पर ऐसा भी तो हो सकता है कि भाई मेरे पास जब मैंने पहले केस में निकाली थी प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट, तब मेरे हाथ में ब्लैक आई हो पहले के, ऐसा भी हो सकता है, एक सेकंड, नहीं इन सबको इकट्ठा लेना है, उन सबका जो सम होगा ना वही, अभी बेस थ्योरम नहीं लगा रहा हूं मैं, ये ध्यान रखो, अभी बेस थ्योरम का करूंगा मैं क्वेश्चन एक, और जो सेकंड वाली है वो मेरे हाथ में रेड आई है, ठीक है ना। अब मुझे ये बताओ मतलब ये क्या होगा, ये एक तरीके से ऐसा होगा कि पहले वाले इवेंट में रेड आई थी, उसकी पी ऑफ ई 1 थी, इनटू में दूसरी, या मैं डायरेक्ट लिखूं पी ऑफ ई 1 तो वैसे 1/2 आया था, ठीक है, और फिर
अगर ब्लैक की 7/12 थी, लेकिन ऐसे भी हो सकता है पहले वाले इवेंट में, मतलब ये पहले लिखना आपको, कहने का मतलब 1/2, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, पड़ेगा कोई फर्क? देखो ये पहले इवेंट, पहली वाली रेड आई आपके पहले वाले केस में, और दूसरे वाले केस में भी कितनी थी, 5/12। एक सेकंड, पीछे वाला अगर आपने नोट किया हो तो वो क्या बना, 7/12 था, तो वो ये हो जाएगा, ठीक है ना, 1/2 × 7/12, और पहले केस में रेड आने की वही 1/2, और सेकंड वाली भी रेड आई है, फर्स्ट वाली ये ब्लैक है और सेकंड वाली रेड है, ठीक है ना। तो अब इसे आप सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा ये, 7/24 + 5/24, यानी कि आ गया 12/24, यानी कि इस चीज की प्रोबेबिलिटी, जैसा उन्होंने पूछा था कि सेकंड बॉल रेड आनी चाहिए, इस चीज की प्रोबेबिलिटी 1/2 है। लेकिन पहले केस में कुछ भी हो सकता था, रेड भी आ सकती थी और ब्लैक भी आ सकती थी, और दोनों की ही यू नो 1/2 थी, ठीक है। तो मैंने इसको ऐसे लिखा है कि ब्लैक आने, यहां पर मैंने ये चीज भी लिख रखी है पी बी, आपकी मर्जी, आप लिखना चाहो या डायरेक्ट भी लिखना चाहो तो भी चलेगा, ठीक है ना, पी ऑफ E2 इनटू पी ऑफ रेड। एक और क्वेश्चन हम इस वीडियो में कर सकते हैं, तो मैं चाहूंगा अनन्य आप फटाफट से सेकंड क्वेश्चन, पी ऑफ इनटू इनटू पी ऑफ रेड, ठीक है, ओके। मैं चाहूंगा सेकंड क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन आप एक बार पढ़ लीजिए प्लीज। अ बैग कंटेन्स 4 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल्स, अनदर बैग कंटेन्स 2 रेड एंड 6 ब्लैक बॉल्स, वन ऑफ द टू बैग्स इज सिलेक्टेड एट रैंडम एंड अ बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द बैग व्हिच इज फाउंड टू बी रेड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द फर्स्ट बैग। एक बार मैं आपको ये वाले दो क्वेश्चन जरा बेस थ्योरम से करा लूं, फिर आपको वो डाउट ले लेता हूं मैं। सेकंड वाले में कह रहा है एक बैग में 4 रेड है और 4 ब्लैक है, और एक और कोई बैग है उसमें 2 रेड और 6 ब्लैक है। पहले मैं ये चीज आपको फिगर बना के समझाता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है ये हमारा 2, और ये जो क्वेश्चन है हम किससे करेंगे, बेस थ्योरम से करेंगे। पहला जो बैग है उसमें देखो 4 तो रेड है और कितनी ब्लैक है, 4 ही हमारी, ये 4 लिखा है मैंने, राइट, 4 ब्लैक बॉल्स है। और एक दूसरा कोई बैग है इसमें 2 रेड है और कितनी ब्लैक है, 6 ब्लैक बॉल्स हमें दे रखी हैं, ठीक है। फिर कह रहा है आउट ऑफ द टू बैग्स इज सिलेक्टेड एट रैंडम, सबसे पहले इवन कोई इवेंट मान लीजिए जिसमें मैं फर्स्ट बैग को सिलेक्ट कर रहा हूं, इवन कोई इवेंट है जिसमें मैं फर्स्ट बैग को सिलेक्ट कर रहा हूं, और E2 कोई ऐसा इवेंट है जिसमें मैं सेकंड बैग को सिलेक्ट कर रहा हूं, और दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी हैं, ठीक है ना, E1 and E2 are mutually exclusive as well as, हाँ ये लिखना पड़ेगा बेस थ्योरम के हर क्वेश्चन में, और एग्जॉस्टिव भी है, याद रखना बेस थ्योरम लगती तभी है, ठीक है। अब आगे सुनो, पी ऑफ, तो पी ऑफ E1 बता दो कितनी हो जाएगी, बैग सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी है ये 1/2, दोनों 1/2 होंगी, पी ऑफ E1 भी और पी ऑफ E2 भी, राइट। अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं, बैग सेलेक्ट हो गया, उसके बाद हम एक बैग से बॉल निकाल रहे हैं विच इज फाउंड टू बी रेड, तो ए कोई इवेंट मान लो जिसमें जो बॉल मैं निकाल रहा हूं, बॉल ड्रॉन इज रेड, तो अब मुझे ये बता दो पी ऑफ ए बाय, मतलब पहला बैग सिलेक्ट, मतलब रेड बॉल सिलेक्ट की है और पहले बैग से सिलेक्ट की है, इस चीज की प्रोबेबिलिटी होगी पी ऑफ ए बाय E1, और आई होप इसका मतलब आपको पता है, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी दैट रेड बॉल इज चूजन फ्रॉम फर्स्ट बैग, क्या मैं ये लिखूं कि क्लियर है, क्लियर है ना। तो फटाफट बता दो इसकी पी ऑफ ए बाई E1 क्या होगा, 4 रेड है और टोटल उस वाले में 8 थी, तो 4/8 यानी कि 1/2 हो जाएगा। और ऐसे ही आप मुझे बता दीजिए पी ऑफ ए बाई E2 क्या होगा, पी ऑफ ए बाई E2 का क्या मतलब है, रेड वाला बॉल है और सेकंड वाले बैग से निकाली गई है, 2/2, वेरी राइट, 2/8 यानी कि 1/4। अब आगे क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द फर्स्ट बैग, निकाली भी फर्स्ट बैग से और है भी कौन सी, रेड, तो ये क्या हो जाएगा, पी ऑफ E1 ओवर ए हो जाएगा। अब लगाओ बेस से, हाँ
इवन क्यों हुआ? क्योंकि पहला बैग चूज करना है, ठीक है ना, उसने बोल रखा है पहला बैग चूज करना है और रेड वाली चूज करनी है, मतलब बी तो मैंने कुछ लिया ही नहीं है, राइट। और अगर क्वेश्चन ऐसे होता कि भाई सेकंड बैग चूज करना है, तो वो पी ऑफ ई टू बाय ए होता, राइट। बस मेन यही चीज आपने गैस करनी है, फिर बेस थ्योरम वाला अगर आपको फॉर्मूला ध्यान है तो यही चीज हो जाएगी पी ऑफ ई वन इंटू पी ऑफ ए बाय ई वन अपॉन में पी ऑफ ई वन इंटू पी ऑफ ए बाय ई वन प्लस पी ऑफ ई टू इंटू पी ऑफ ए बाय ई टू, क्लियर है? बस हर क्वेश्चन ऐसे ही होना, सेम इसी टाइप से। अगर तीन इवेंट होंगे तो वो पी ऑफ ई थ्री इंटू पी ऑफ ए बाय ई थ्री भी आ जाएगा, बस इतना सा फर्क होगा। तो ध्यान दीजिए, पी ऑफ ई वन था हमारा 1/2, पी ऑफ ए बाय ई वन भी आया था 1/2 अगर आपको ध्यान हो, ठीक है। और ये तो सेम ही होगा, 1/2 इंटू 1/2 प्लस पी ऑफ ई टू कितना था, वो भी 1/2 था, और पी ऑफ ए बाय ई टू था 1/4। इसे सॉल्व कर लो, न्यूमिनेटर है 1/4, नीचे बन रहा है 1/4 प्लस 1/8, एलसीएम लीजिए 2+1, तो ये सॉल्व होके आ जाएगा 1/4 अपॉन में 3/8 है, उसका रेसिप्रोकल कर लेना 8/3, ये 4/2 था, कट करो, आंसर आ गया 2/3, क्लियर है, ठीक है। अब यहाँ से बेस थ्योरम से करने हैं, बस एक लास्ट क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, थर्ड क्वेश्चन मैं चाहूंगा आप फटाफट रीड कर लें। Of the students in a college, it is known that 60% reside in hostel and 40% are day scholars, not residing in hostel. Previous year result reports that 30% of all students who reside in hostel attain A grade and 20% of day scholars attain A grade in the annual examination. At the end of the year, one student is chosen at random from the college and he has an A grade. What is the probability that the student is a hostelier? मैं आपको जरा लिख के ये चीज समझाता हूँ तो ज़्यादा क्लियर होगी आपको। क्वेश्चन नंबर है ये हमारा 3 आज का। देखो, किसी भी कॉलेज में 60% बच्चा जो है वो हॉस्टल में रह रहा है और 40% सिर्फ सुबह पढ़ के अपने घर चले जाते हैं, डे स्कॉलर्स है, राइट। तो सबसे पहले मैं इवन, कोई इवेंट मान रहा हूं कि जिसमें मैं ये बता रहा हूं कि जो भी स्टूडेंट है वो हॉस्टल में रह रहा है, इज रिजाइडिंग इन अ हॉस्टल, अ स्टूडेंट इज रिजाइडिंग इन अ हॉस्टल, इसे मैं इवेंट ए मान रहा हूँ, ठीक है। और ई टू मैं मान रहा हूँ कि अ स्टूडेंट इज अ डे स्कॉलर, मतलब डे स्कॉलर का मतलब है सुबह क्लासेस अटेंड करता है, जैसे आप डे स्कॉलर हो, क्लासेस अटेंड करके घर आ जाते हो अपने, राइट, ओके। और फिर मैं वही बताऊंगा कि ई वन और ई टू दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है और एग्जॉस्टिव भी है, राइट। अब आगे सुनो, 60% जो बच्चा था वो हॉस्टल में रह रहा था, तो पी ऑफ इवन क्या हो जाएगा, 60%, और परसेंट का मतलब होगा 60/100, इसे बेटा लोएस्ट टर्म में साथ साथ कर लो कन्वर्ट, 3/5 हो गई इस चीज की। और ऐसे ही जो डे स्कॉलर थे वो 40% थे, और 40% का मतलब आपको पता होना चाहिए 40/100 है, यानी कि 2/5 हो गई, राइट। अब आगे आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर रिजल्ट्स रिपोर्ट्स दैट 30% ऑफ ऑल द स्टूडेंट हु रिजाइड इन अ हॉस्टल अटेन ए ग्रेड, कि जितने बच्चे हॉस्टल में रह रहे थे उनका ए ग्रेड आया था, और 20% जो डे स्कॉलर थे उनका भी ए ग्रेड आया था एनुअल यानी फाइनल एग्जामिनेशन में, राइट। तो लेट कर लेते हैं, ई कोई ऐसा इवेंट है जिसमें स्टूडेंट का ए ग्रेड आ रहा है, हाँ। अभी तो फिलहाल ऐसे ही करो 2 मिनट, ठीक है, फिर जब आप जो क्वेश्चन खुद ट्राई करोगे उसमें खुद जो भी लेट करना करते रहना, फिर मैं चेंज कर दूंगा अकॉर्डिंगली, ठीक है। कैपिटल ई, अब मुझे ये बताओ ई बाय ई वन का क्या मतलब है? ई बाय ई वन का बड़ा सिंपल सा मतलब है कि भैया उसका ए ग्रेड आया और वो कहाँ से बिलोंग करता है, हॉस्टल में रहता है वो बच्चा, राइट। ये चीज का मीनिंग मैं नहीं लिखने वाला हूँ अनन्या, क्योंकि आई होप इसका मीनिंग आपको पता होना चाहिए, और आप अगर कुछ भी मानना चाहते हो ए बी वो आप अकॉर्डिंगली कर लेना। तो फिलहाल इसकी हो जाएगी 30%, यानी कि 30/100,
यानी कि 3/10, ठीक है। और ऐसे ही P of E by E2 क्या होगी बोलो। P of E by E2 का पहले मतलब बताइए आप क्या है। इसका मतलब है उस बच्चे का ग्रेड AI है और रहता वो है डे स्कॉलर, उसकी 20% थी, राइट। 20% यानी कि 20/100 यानी कि 1/5 थी, ठीक है। अब आगे सुनो, अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। एट द एंड ऑफ द ईयर वन स्टूडेंट इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम द कॉलेज, और उसका ए ग्रेड आया, ठीक है, उस बच्चे का ए ग्रेड आया, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो हॉस्टल का छात्र होगा बोलो। E1 by E है या E2 by E है, इस स्टेटमेंट का मतलब E1 by E है, क्योंकि E1 जो थे बच्चे वो हॉस्टल वाले थे और E मतलब उसका ए ग्रेड आ रहा है। बहुत इजी टॉपिक है और पक्के चांस है किसी से क्वेश्चन आएगा और हर बार आता ही है, राइट। तो आप ये तो आपको बनाने आ ही गया होगा, ये हो जाएगा P of E1 into P of E by E1 upon P of E1 into P of E by E1 plus P of E2 into P of E by E2। बस बाकी तो आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। पी ऑफ ई वन की जगह आप क्या लिखेंगे, 3/5। पी ऑफ ई बाय ई वन की जगह आप क्या लिखेंगे, 3/10। तो ये भी हो जाएगा 3/5 इंटू 3/10 प्लस पी ऑफ ई टू की जगह 2/5 और पी ऑफ ई बाय ई टू की जगह 1/5। तो ये ऊपर कुछ लोएस्ट में तो हो नहीं रहा, तो 9/50 आ रहा है सॉल्व होके, और नीचे आ रहा है 9/50 प्लस 2/25 आ रहा है। अनन्या एक स्टेप इसी में करके 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं ताकि इसका डिनोमिनेटर भी 50 हो जाए, तो ये 2 to the 4/50 हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब न्यूमिनेटर पूरा सॉल्व होके आ रहा है 9/50 और नीचे डिनोमिनेटर सॉल्व होके आएगा 9+4 13/50, उसका रेसिप्रोकल कर लो 50/13, 50 से 50 कैंसिल, आंसर है 9/13, राइट। तो क्लास ये पहला वीडियो था बेस थ्योरम का, जल्दी हम दूसरा वीडियो भी इसका बनाएंगे, उसमें हम रिमेनिंग क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू।